हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और लेटेस्ट अपडेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की टाटा स्टील जेईटी के अंदर कट ऑफ 2022 की, जो कि एक डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई गई है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी फ़ोन पर बात हुई, काफ़ी सारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन डिस्कशन हुए, काफ़ी व्हाट्सएप पर मेरा डिस्कशन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कट ऑफ बनाई गई है। और टेलीग्राम पर भी पोल किया गया, मतलब हर तरीके से मैंने कम्युनिकेट करके यहाँ पर कट ऑफ बनाने की कोशिश करी है, ताकि जो है एक अच्छा कट ऑफ का आइडिया निकल पाए। क्योंकि टाटा स्टील ऑब्वियसली बात है कट ऑफ देता नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के एक आइडिया लग जाता है कि इतने नंबर तक तो कट ऑफ जो है जानी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कट ऑफ बनाई है। बाकी बहुत सारी ब्रांचेस की मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बना दी है, जिसमें आपकी सारी ब्रांचेस लगभग लगभग मैंने कवर्ड कर दी हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, ताकि आगे भी कभी कोई स्टूडेंट एक दो साल बाद देखता तो उसे आइडिया लग जाए कि किस टाइप का पेपर आया था। टीसीएस ने पेपर कराया था, इससे पहले एमटेट एमकेट कराती थी। तो यहाँ देखिए, पेपर दो पैटर्न में था, जिसमें एक डोमेन का पैटर्न था, दूसरा आईओटी था। डोमेन में आपकी जो ब्रांच होती है उससे क्वेश्चन आए थे 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आईओटी से आए थे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आए थे आपके यहाँ पर, और 100 मार्क्स का 2 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे हुआ था। अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो सारी ब्रांचेस का डोमेन देखने के बाद एक ही आइडिया लगा है कि डोमेन में जो आपके 20 से 25 30 क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए थे, 30 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे, और 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो थे वो यहाँ पर हार्ड लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब जिनकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होगी वो उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प कर पाएंगे, और जिन्होंने मेहनत कम करी होगी उनके लिए वो क्वेश्चन डाउट कर सकते हैं। लेकिन 50 से 55 क्वेश्चन जो है, अगर स्टूडेंट ने ठीक ठाक मेहनत करी होगी तो डोमेन में वो आराम से अटैम्प कर सकता है, जिसमें आपको 45 से 50 मार्क्स तक, अगर 70 भी अटैम्प करता है तो आराम से उतना गेन कर सकता है, अगर 65 कर रहा है 5 7 10 मार्क, अगर वो कम भी अपने करता है निगेटिव मार्किंग में। 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर मैंने पेपर बताया, और आईओटी का पेपर आप समझ लीजिए बहुत बेसिक आया था। आईओटी मैंने पूरे चैनल पे अपने पढ़ा रखी है, बहुत सारी वीडियोस अप्रॉक्स हम मान के चलिए 70 80 वीडियो है आईओटी की, तो उन्हें मैंने पहले से बहुत साल से करा रहा था, तो उसको देखते हुए अगर वो वीडियो उसको भी कोई देखेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा, और 15 नंबर तक तो आराम से 10 से 15 नंबर उधर से स्कोर कर लेगा, जो 20 नंबर का पोर्शन था। अगर हम आगे देखेंगे तो अब हम आते हैं जो मेन चीज़, जो मैंने टेलीग्राम पे पोल करा था, आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का जो करेक्ट अटैम्प के ऊपर मैंने यहाँ पे पोल किया था, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पोल को देखा था, और अप्रॉक्स 74 जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं उन्होंने इस पोल को दिया था। जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सारे बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बहुत समय से अपना कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 14% ऐसे थे जो 30 से 40% मतलब मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 5% ऐसे हैं जो 40 से 50, 15% ऐसे हैं जो 50 से 60, 26% ऐसे हैं जो 60 से 70, मतलब 60 से 70 हर ब्रांच के अंदर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 60 से 70 जो है लड़कों को लगता है कि उन्होंने इतना करेक्ट अटैम्प किया है। सबसे ज़्यादा अगर वेरिएशन देखने को मिला है तो 60 से 70 में ही देखने को मिला है। बाकी 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 से 80, और 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से 90 तक भी अटैम्प्ट यहाँ पे करें हैं। अब देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर जो अटैम्प्ट करेक्ट है आपके यहाँ पर, जब निगेटिव मार्किंग होगी तो आपके अटैम्प्ट 10 से 8 नंबर भी कम हो सकता है, इससे भी ज़्यादा आपका अटैम्प्ट जो आपका कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। देखिए जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, मैं इसका दावा बिल्कुल भी नहीं करता कि यही कट ऑफ आपकी जाएगी, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इतने साल से जो है टाटा स्टील के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पेपर देखते हुए काफ़ी सारे पेपर्स ही मैंने देखे हैं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक आइडिया लग जाता है कि इतनी कट ऑफ अगर जाएगी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था, इस बार भी यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होंगे, और अपनी मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने करी है। मैं खुद कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, रात रात भर वो लोग मतलब पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कट ऑफ जो है मैंने बनाई है, जो 100% दावा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कट ऑफ जो है चांसेस बनता है। सारी ब्रांचों को देखते हुए जनरल की कट ऑफ मैं देख रहा हूँ कि 65 से 70 के बीच जिनके भी मार्क्स बन जाएंगे तो उनको फाइनल कट ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि फाइनल डीवी के लिए आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब ये कट ऑफ जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे, जैसे कि 72 73 नंबर भी जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर कट ऑफ जाना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना ईजी भी पेपर नहीं आया था कि आप 80 82 नंबर भी आसानी से वहाँ पर स्कोर कर दें। अगर आप 65 से 70 के बीच में भी नंबर ला रहे हैं, 71 नंबर भी ला रहे हैं, 70% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो आपका जनरल में जो है 100% सिलेक्शन होने का फुल चांसेस बनता है। ओबीसी में अगर 65 68% ला रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के अंदर 63 64% नंबर ला रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने का फुल चांस है। एसटी में 55 से 65 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का फुल चांस है। पीडब्ल्यूडी में 50 से 60 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का फुल चांस है। मतलब ये एक एवरेज कट ऑफ है। अगर आप लोग इस कट ऑफ में आपको लगता है कि इतने नंबर तो आपके आ जाए
जाएंगे तो आपका फुल चांस बनता है कि टाटा स्टील के मेडिकल और इंटरव्यू कॉल आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। बाकी अभी जिनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ब्रांच के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, मैं उनसे यही कहूँगा अपना समय वेस्ट ना करते हुए इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इंटरव्यू की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड डाउट होगा तो उसकी मैं लगातार अपने चैनल पर वीडियोज़ बना दूंगा। और अभी थोड़ा सा एटी के प्रिपरेशन के लिए जो है वीडियोज़ बनाने का टाइम है, तो अभी आप लोग जो है एटी का जो भी एग्जाम देने वाले उसकी प्रिपरेशन करिए। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको टाइम टाइम पर टिप्स मिलती रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप चैनल पर जुड़े रहें और अच्छे से जो है अपनी आगे एग्जाम आगे वाले आने वाले एग्जाम की मेहनत करते रहें और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोग ने बहुत मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इन वीडियो को जरूर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।